प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे कि नेटफ्लिक्स पे एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है IC 814, जो कि कांदार हाईजैक पे बेस्ड है और उसका जो डायरेक्टर है वो एक लिब्रांडू है। जी हाँ, लिबरल प्लस सेकुलर, उसका नाम है अनुभव सिन्हा, जिसने मूवी में यह दिखाया है कि हाईजैक करने वाले जो आतंकी थे वो हिंदू थे। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर और पत्रकार शैला खान, जो कि इंटरव्यू लेंगी और रिएक्शन लेंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाइक खान जी का। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपसे इंटरेस्टिंग, दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। आज हम बात करेंगे कंधार हाईजैक IC 814 की, जिसने नेटफ्लिक्स पे बहुत ज्यादा जो है हलचल मचा रखी है। कहा यह जाता है कि ये जो सीरीज है ये पूरा प्रोपोगंडा है, न सिर्फ इंडिया के खिलाफ बल्कि हिंदुओं के खिलाफ भी, क्योंकि जिन लोगों ने इस प्लेन को हाईजैक किया था वो सारे के सारे मुसलमान थे। लेकिन अनुभव सिंह जो कि इस सीरीज के डायरेक्टर है, उन्होंने दो नाम जो है बोला और शंकर जो है हिंदू नेम रख के जो है हिंदुस्तान के जो हिंदू है उनको टारगेट किया। इसके साथ साथ अगर नेटफ्लिक्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स इस वक्त बहुत ज़्यादा इंडिया के प्रेशर में आ गया और उसने जो है इस सीरीज का जो है डिस्क्लेमर टोटली चेंज कर दिया, क्योंकि नेटफ्लिक्स अपनी अर्निंग का जो थर्ड पोर्शन है वो इंडिया से इस वक्त कमा रहा है। आप अब देख ले दोस्तों कि नेटफ्लिक्स हो, दुनिया का कोई भी फोरम हो, इंडिया का जो पावर है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमिकली भी और इंटरटेनमेंट में भी। लेकिन हम बात करेंगे कि IC 814 में ऐसा क्या था और क्यों बवाल मचा हुआ, हर जगह पर इसके ऊपर बात की जा रही है कि इसमें जो आतंकी थे उनका बिलोंग पाकिस्तान से था, वो ISI से थे, और फिर सारा का सारा मुद्दा सीरीज में अफगानिस्तान पे डाला हुआ है। बहुत सी चीजें इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं। नाज़िया इलाही खान को दावत दी आज के शो पर, इनसे डिस्कस करेंगे, सच जानेंगे कि आखिर भारत के जो सनातनी है वो इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है और नेटफ्लिक्स ने प्रेशर में आके जो है इसके डिस्क्लेमर को चेंज किया। और इससे पहले भी नेटफ्लिक्स बहुत सी ऐसी मूवीज को नेटफ्लिक्स से हटा चुका है जिसके अंदर सनातन धर्म या हिंदुओं को टारगेट किया गया है। तो थैंक यू सो मच नाज़िया जी हमें ज्वाइन करने के लिए। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नज़र जी, क्या बवाल मचा हुआ है और ये IC 814, ये जो नेटफ्लिक्स की सीरीज है, ये क्यों इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होगी कि हर फोरम पे, हर छोटे चैनल, बड़ा चैनल, नेशनल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहे हैं? शैला, मैं इस सीरीज के बारे में और इस सीरीज की सारी पंक्तियों को खोलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी सीरीज में और जिस भी मूवी में नसरुद्दीन शाह होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हिंदुओं को मलाइंग और डिफेम करने का कार्यक्रम होता ही है। नसरुद्दीन शाह दो ही चीजों के आधार पर और बेस पर वो प्रोजेक्ट को साइन करते हैं। एक, उस सीरीज या उस मूवी में बहुत ज्यादा सेक्सुअल सीन और वल्गैरिटी होगी, जैसे डर्टी पिक्चर में विद्या बालन के साथ उन्होंने बहुत अभद्र और बहुत अश्लीलता उन्होंने दिखाई थी, और अपने उम्र का लिहाज भी ना करते हुए उन्होंने काफी वल्गर और काफी सेक्सुअल सीन दिया था। दूसरा, कि नसरुद्दीन शाह उसी प्रोजेक्ट को साइन करते हैं जिसमें या तो अश्लीलता हो और या तो फिर आतंकवादी, ISI, लश्कर-ए-तैयबा, जिहादी, टेररिस्ट को बहुत अच्छा इंसान दिखाने की कोशिश। यही दो आधार पर वो प्रोजेक्ट साइन करते हैं। नसरुद्दीन शाह वो हैं जो रहते भारत में हैं पर उनका दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए। नसरुद्दीन शाह वो हैं जो पक्के मुसलमान हैं, कट्टर मुसलमान हैं, और इस्लाम को बहुत मोहब्बत करते हैं पर शादी हिंदू से करते हैं। नसरुद्दीन शाह वो हैं जो कमाते कजाते भारत से हैं, लैविश लाइफ बनाते भारत से हैं, नाम शोहरत बनाते हैं भारत से, पर अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं और विदेश में रखते हैं। अभी हालिया में इजराइल ने गैजेट इशू किया था जिसमें इजराइल ने कहा कि बॉलीवुड को अटैच करके जो इजराइल का एक अवार्ड फंक्शन होता था वो नहीं करेंगे, क्योंकि नसरुद्दीन शाह और उसकी वाइफ ने फलस्तीन की बहुत हिमायत की थी और अपने ट्विटर अकाउंट में कंटिन्यूसली फलस्तीन के समर्थन में, उनके सपोर्ट में उन्होंने लिखा था। तो ऐसे सिचुएशन में इसराइल ने इनकार कर दिया।
तो ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर ने भी इस पर कहा कि ये बहुत आपत्तिजनक है कि हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन को धक्का पहुंचाने का काम बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस करते हैं। अब आती है बात शैला की, ये जानना बहुत जरूरी है सबके लिए, इस देश और दुनिया के सब लोगों के लिए, कि बॉलीवुड जो है हमारे हमारे भारत देश का, वो एक्चुअली में भांड टोली है। भांड टोली, इसमें 5-6 ऐसे एक्टर हैं जो वाकई में देश प्रेमी हैं, जिनको वाकई में इस देश से बहुत मोहब्बत है। बाकी के जो लोग हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस है, जो कमा रहे हैं सनातनियों के पॉकेट से पैसे लेकर के, वो यहाँ पर दाऊद इब्राहिम का गाना गाना, वो मुगलों का गाना गाना उनको बहुत पसंद है। और एक सिनार एक वक्त था 90s का, जब बॉलीवुड के टॉप एक्टर एक्ट्रेस जब तक दाऊद इब्राहिम के साथ फोटो नहीं खिंचवाते थे, तब तक वो अपने आप को VIP नहीं समझते थे, बिल्कुल भी नहीं समझते थे। हजारों ऐसे बॉलीवुड के एक्टर हैं जो दाऊद इब्राहिम के घर पर जाकर के नाच गाना मुजरा खाना करते थे दाऊद इब्राहिम का दिल बहलाने के लिए। ये हो गया पूरा डिटेल। अब आते हैं खानदार हाईजैक, एकदम कंप्लीट एंटी भारत सिविलाइजेशन और सभ्यता की मूवी है। एंटी हर एक सिचुएशन पर ये बताने की कोशिश की गई है इस सीरीज में कि सनातन धर्म कितना बुरा है। अच्छा। और हाईजैकर का नाम जो इब्राहिम अख्तर था, शाहिद अख्तर सईद था, सुन्नी अहमद खाजी था, मिस्त्री जहूर था, जो सब पाकिस्तान के थे, उनका नाम भोला और शंकर रखा गया है। शंकर भगवान हमारे भारत में बहुत आराध्य हैं हमारे, हम उनको पूजते हैं, हम उनकी आरती उतारते हैं। और भोला नाम सुनते ही एक हिंदू जैसा फील होता है, तो इसलिए भोला और शंकर नाम दे दिया गया। अब आती है बात कि 1999 में काठमांडू से निकली हुई एक फ्लाइट जो दिल्ली में लैंड होने वाली थी, एयर इंडिया की फ्लाइट जिसमें 189 पैसेंजर्स थे, और 530 डिपार्टमेंट को हमेशा ये बात पता चली थी उस दिन तकरीबन 5:30 बजे कि ये फ्लाइट जो है 530 को डिपार्टमेंट को ये पता चला कि ये फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। हाँ, और जैसे ही, क्योंकि अभी मैं सुन रही थी चंद्र प्रकाश छाबड़ा जी को जो ऑलरेडी उस फ्लाइट में थे, जो अपने बिजनेस ट्रिप के लिए वो काठमांडू की फ्लाइट में बैठे थे एयर इंडिया में और दिल्ली लैंड होने वाले थे, मैं अभी तुरंत उन्हीं को सुन रही थी। उन्होंने बताया कि जैसे ही 40 मिनट फ्लाइट उड़ चुकी थी, उसके बाद फिर 5 आए लोग जिनके हाथ में बड़े बड़े गन थे, चाकू था और मंकी कैप पहने हुए थे, और चीखने चिल्लाने लगे, गरजने लगे, गालियां देने लगे। और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद ही, क्योंकि उस फ्लाइट में काठमांडू एक हिल स्टेशन है और बहुत खूबसूरत जगह है, तो लोग हनीमून के लिए बहुत जाते हैं, तो उस फ्लाइट में जो हाईजैक हुआ था, उस फ्लाइट में बहुत सारे हनीमून कपल वाले थे, जिसमें से एक कपल को उन्होंने दबोचा, जो पंजाबी थे उन्होंने दबोचा हाईजैकर्स ने, ISI के लोगों ने, और उसके गर्दन में चाकू घोप घोप के मार दिया। उसकी सांस थोड़ी सी चल रही थी और उसको ले जा करके साइड में उन्होंने फेंक दिया फ्लाइट के ही कॉर्नर में। और बच्चों के साथ जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया था, जो डराया था, जो उनको मेंटली टॉर्चर किया था, क्योंकि अचानक से गन, पिस्टल और चाकू लेकर के 5 आदमी मंकी कैप पहन करके आ जाएगा और नारे तकबीर पढ़ने लगेगा और लोगों को कन्विंस करने लगेगा कि तुम मुसलमान हो जाओ, तो बच्चे तो डर ही जाएंगे ना, बच्चों का तो दिल बहुत कमजोर होता है। इसी कंडीशन में जब ये बहुत अजीब सा एक डरावना हॉरर सिचुएशन हो गया था, तो एक ज़ईफ आदमी को हार्ट अटैक आ गया था। उस हार्ट अटैक के वक्त में जब ये फ्लाइट अमृतसर आपके वहां पर जब लैंड की और पाकिस्तान की सरकार ने एकदम से हाईवे पे, लाहौर के हाईवे पे लैंड करवा दिया कि आ जाओ भैया, तुम्हारा ही तो इंतजार था, मेरे शेरा चलो आ जाओ। तो लैंड होने के बाद फिर वहां के अस्पताल में उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट हुआ और वहां के अस्पताल, आपके पाकिस्तान के अस्पताल के जितने भी डॉक्टर्स थे वो फ्लाइट पर आए और उन्होंने कहा कि आप लोग मुसलमान हो जाइए, और उन्होंने कन्विंस किया, जिसमें एक लेडी ने जो विक्टिम थी खानदार हाईजैक की, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है
कि हम लोग कन्विंस हो भी रहे थे कि हम लोगों को इस्लाम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह ने बहुत कोशिश की थी, क्योंकि उस वक्त अटल जी की सरकार थी, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि किसी भी तरीके से इस फ्लाइट को हम लोग पाकिस्तान के बॉर्डर तक या पाकिस्तान की सरजमीन तक ना पहुंचने दे, फ्यूल कम हो जाए या फ्यूल खत्म हो जाए तो हम उसको रोक लेंगे। लेकिन फ्यूल, क्योंकि हमारे भारत के जिस भी एयरपोर्ट, छोटे एयरपोर्ट बड़े एयरपोर्ट से जब फ्लाइट निकलती है, टेक ऑफ लेती है, तो फ्यूल का कुछ ज्यादा ही खास ख्याल रखा जाता है। तो फ्यूल का ख्याल पहले से तो फ्यूल खत्म नहीं हुई, लेकिन लाहौर पहुंचते पहुंचते तक फ्यूल खत्म हो गई थी। और उसके बाद जो एक डरावना माहौल हुआ था, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की सरकार ने ये क्यों करवाया था आईएसआई से। पाकिस्तान ने तो, जो मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है कि ये जहाज क्योंकि फ्यूल के शॉर्टेज की वजह से लैंड करना चाहता था, तो पाकिस्तान ने इसको यहाँ पर लैंडिंग की इजाजत नहीं दी थी, तो फिर इसको जो है ना कांधार पे जाके जो है लैंड करवाया गया था। कुछ इस तरह की चीजें भी जो है, किताब लेकर के, जो विक्टिम ने किताब लिखी है, मैं वो किताब लेकर के बैठी, ठीक है, जो प्लेन में बैठे हुए थे। अब मैं आपके पाकिस्तान की सरकार की बात मानूं या विक्टिम की बात मान लूं, शैला पहले ये बता दीजिए। दोनों की सुनते हैं फिर सच क्या है जान लेते हैं। नहीं कैसे सुने, हम तो, मैं तो विक्टिम की किताब लेकर के बैठ गई हूँ, इसलिए मैंने उनसे मंगवाया है, स्पेशली मैंने मंगवाया है। तो विक्टिम अपने 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 बारे में लिख रहे हैं कि कंटिन्यूसली उनकी बातचीत चल रही थी पाकिस्तान की सरकार से, और पाकिस्तान की सरकार ने अपने हाईवे पर लैंड करवा दिया था भाई, अपने हाईवे पर लैंड करवा दिया था। उसके बाद फिर इब्राहिम अख्तर बावलपुर का था, शाहिद अख्तर सईद कराची का था, गुलशन इकबाल कराची का था, सनी अहमद काजी कराची का था, उसके बाद फिर आपका ये मिस्त्री जहूर ये सुकूर का था। ये कहाँ है, आपका पाकिस्तान का ही है ना, मैं जिस एरिया का नाम बोल रही हूँ वो आपके पाकिस्तान का ही है ना। तो जब पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था तो पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे थे? आजकल पाकिस्तान के लोग क्या तालिबान के लिए काम करना स्टार्ट कर दिए हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, अच्छा हुआ आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाज़िला खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने हमेशा की तरह फैक्ट्स और फिगर्स पे बात की और अनुभव सिन्हा जैसे डायरेक्टर को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और इस पूरे वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त दमदार और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।